रावल किशन सिंह जसोल, ये आज मलिनाथ जी, मैं मारवाड़ी में बोल सकता हूँ? यस यस। तो मैं इन प्रदेश की जो भाषा है उनमें बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी विलुप्त हो रही है, क्योंकि मेड़ो विलुप्त हो रही है और हमारे मरुगंगा लूणी भी विलुप्त हो रही है, तो उन्हें साथ साथ संस्कृति भी जा रही है। मलिनाथ जी आज जो 700 वर्ष पहले संत होया, और रानी रूपादे जी दोनों बहुत बड़ा संत था, और मेला की शुरुआत वे करी संता ने बुला। उन संत में रामदेव जी पधारिया, बाबू जी, हड़बू जी और जैसल तोरल कच्छ हूँ, तो इनारो सबरो समागम इन तिलवाड़ा गांव में हुयो, और अब वो पशु मेला रे नाम रह गयो है। तो इनने साथ साथ हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, इनने राखनी बहुत जरूरी है, और प्रकृति रे वास्ते लूणी नदी रो शोधन इन्नी सफाई, क्योंकि गंगा रो मोदी जी कर रिया है, तो इन नदी रो भी पावनता बनी राखनी इन मेला री और इन संस्कृति री विरासत ने सबने बनाई रखा, उनमें जहाँ पर सार है। तो ऐसा क्या कारण है कि ये मेला जो है, बिल्कुल अभी जो मेले में भी अभी पशु बहुत कम आ रहे हैं, और मेले की चकाचौंध जो पहले आज से बरसों पहले जो हुआ करती थी, वो अभी बिल्कुल कम हो रही है? आज से 5-10 वर्ष पहले 1 लाख पशु आते थे, उससे पहले और भी अधिक 2 लाख तक आते थे, और मनुष्यों का आदमी मिनट भी इनमें आता, वे भी 3-4 लाख आता। अब धीरे धीरे पशुओं की संख्या 20,000 हो गई है। इनो कारण एक तो और है कि ऊँट ज़्यादा आता, तो ऊँटों ने राज्य सरकार राज्य पशु घोषित करियो, तो राजस्थान बारे नहीं जा सके, इन वास्ते इनकी कीमत घट गई और इना ग्राहक कोई को। दूसरी बात, बैलों रो बहुत अच्छे प्रचार हो, और बैल बहुत आपता, बैलों ने रे भी अब राजस्थान बारे भेजना बंद कर दियो, और कृषि और दूसरे कार्यों में इनारो कोई उपयोग नहीं है। इन वास्ते इन मेला में अब केवल घोड़ा ही रह गया है, और उनमें जोधपुर दरबार महाराजा गत सिंह साहब भी पहल हूँ, मारवाड़ी ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के कारण इन घोड़ा की कंपटीशन हुआ है घोड़ा रो, और उनने कारण घोड़ा बचियोड़ा। तो अभी आपके हिसाब से राज्य सरकार या केंद्र सरकार से आपसी क्या मांग है, जिससे इस मेले को और इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाया जा सकता है? अगर इन मेला ने बचाना है, संस्कृति धरोहर ने बचानी है, तो पहली बात तो मलिनाथ जी के प्रति श्रद्धा होनी जरूरी है, और संत समागम है तो संतोरो समागम है, और इनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि इन में पशुओं को वर्धन करना है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने पशुओं ने कीकर इनारो व्यापार बढ़ सके, तो यह मैं कारण बताया घटन रो, तो उन्होंने अगर निराकरण करेला तो पशु धन बढ़ेला, और अगर पशु धन बढ़ेला तो किसाना ने फ्री में पैसा देना, अनुदान देना की जरूरत नहीं पड़ेला, अगर वो कृषि के मायने इन पशुओं की आवश्यकता पाछी आ जावे। शुक्रिया साहब। आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।